लिए कहा जाता है कि इसके नाम मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसी महान सिंधु नदी की महिमा हम क्यों ना गाएं? तो आइए करते हैं सिंधु नदी को प्रणाम इस गीत के माध्यम से।
आज कहानी सुनाने आई, आज कहानी सुनाने आई, सबका दिल बहलाने आई, सबका दिल बहलाने आई, आज कहानी सुनाने आई, आज कहानी सुनाने आई। मेरे अंदर के भाव है, शब्द नहीं जो भावों को भीतर से बाहर ला पाए, है हम सब में सामर्थ्य कहाँ कि सिंधु की महिमा गा पाए। इस सिंधु भूमि ने असंख्य महान हस्तियों को जन्म दिया है। कितने महान भूतियों के नाम लो, स्वामी टेऊ राम, भगत कंवर राम, साधु वासवानी, बाबा नेवराज। तो सुनाओ इन संतों की कहानी। हाँ, पर किसकी? बाबा नेवराज फूल का जलसा है तो बाबा नेवराज के बारे में ही बताती। तो सुनाओ फिर। बाबा नेवराज का जन्म 1875 में रोहिणी में भाटी परिवार में हुआ था। पेशे से वह एक स्कूल मास्टर थे। ओ। एक बार उनके स्कूल में इंस्पेक्शन थी, पर वे भक्ति में इतने लीन थे कि वह स्कूल गए ही नहीं। जब वह स्कूल पहुंचे तो उन्होंने दूसरे अध्यापक से इस विषय में जानना चाहा। तो तुमको पता है उन्होंने क्या बोला? क्या बोला? उन्होंने बोला कि तुम्हारे बच्चों ने तो सबसे अच्छे उत्तर दिए हैं, तुम्हें इतनी शाबाशी भी मिली है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो ये सब? अरे ये कैसे चमत्कार है, बाबा नेवराज स्कूल में होने के ना बावजूद भी स्कूल में थे। ये सब जानकर बाबा समझ गए कि ये सब ईश्वर का करिश्मा है और उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दिया। सिंधियों की तो बात ही कुछ और है। अगर सिंधियों के गुणों को जानना है तो आइए सुनते हैं ये कलाम। सिंधियों की तो बात है निराली, तो बजाओ जोर से ताली। Thank you.
पसंद करोगी? खाने पीने के नाम से तो मेरे मुंह में पानी ही आ जाता है, पर मुझे अभी कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। सिंधी कढ़ी चावल, भी पटाटा, कोकी, सिंध दाल पकवान। बस बस रेडी, मुझे तो भूख लगाई। तो चलो चले सिंध के बाजार में लजीज खाना खाने। हाँ हाँ चलो चलो। मनाया जाता है तो दिखाओ सिंधी संस्कृति की झलक सिंधी त्योहारों में।